अहम खबर शामिल करें। पार्लिमानी सतह पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने के लिए हिकमत अमली तब्दील। मुफामती सियासत के लिए वजीर दिफा परवेज खटक को किरदार मिल गया। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक खत्म करने के लिए स्पीकर कौमी असेंबली गैर मामूली तौर पर मुतहरिक है। मजीद बात करते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे गौहर अली से। गौहर, परवेज खटक सामने आ रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन जमातों में जो है डेडलॉक खत्म करवाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, इस हवाले से बताइएगा। जी, कोरोना वायरस के मामले पर चंद रोज़ कबल पार्लिमानी सतह पर तब पार्लिमानी लीडर्स का बुलाया गया इजलास बेनतीजे रहा। इस इजलास में उस वक्त बदमजगी पैदा हुई जब वज़ीर आज़म इजलास अधूरा छोड़ कर चले गए और जिस पर कायद बिस्त खिलाफ शहबाज शरीफ और चीफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास का बायकॉट कर दिया। जिसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने एक कमेटी कायम की है। अब ये जायजा लिया जा रहा है कि इस कमेटी के इजलास कब बुलाया जाए और ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि ये इजलास भी बदमजगी का शिकार ना हो। इस हवाले से असद कैसर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं और हुकूमती जमातों के रहनुमाओं से राबते कर रहे हैं। दूसरी तरफ परवेज खटक जो वजीर दिफा हैं उनको भी ये किरदार दिया गया है कि वो भी मुफामत की फिजा पैदा करें। जब इस मुफामत की पैदा होगी और सूरत हाल बेहतर होगी तब इस पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ ये भी मालूम हुआ है कि इस कमेटी के इजलास के बाद टी ओ आर्स मुकर्रर किए जाएंगे। टी ओ आर्स तय करने के बाद इसकी रोशनी में आइंदा का लाइहमल तय किया जाएगा। तहम कायद बिस्तखलास शहबाज शरीफ इस वक्त डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो ये डाटा जो है इस कमेटी के अरकान को दें और जो कि कोरोना वायरस के मामले जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो तो इन मुस्लिम नून के अरकान इस पार्लिमानी कमेटी में जो है वो दलाई से बात कर सकें। दूसरी तरफ जो है वो असद उमर भी इस कमेटी के इजलास में शरीक होंगे और जराए का कहना है कि असद उमर जो है वो ये बताएँगे वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुक रहे हैं, दोनों हुकूमतों के दरमियान जो मामला जिस हवाले चल रहे हैं उस हवाले से भी उस पर रोशनी डालेंगे। जबकि महकमा सेहत के अफसरान और अहदेदार भी जो हैं वो भी इस कमेटी के इजलास में शरीक होंगे और ब्रीफिंग देंगे। तहम ये कमेटी का इजलास उसी सूरत बनाया जाएगा जब कोई फिजा साजगार होगी और तलखी पैदा होने का कोई इम्कान नहीं होगा। जी।